समाचार। प्यारे बच्चों, जैसा कि कल आपको वाच बताया गया था, वाइस टेस्ट का अफर्मेटिव और निगेटिव बताया गया था, आज उसका इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले फर्स्ट में हम आपको जो है इंट्रोगेटिव वाक का ट्रांसलेशन बताते चल रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हम डू और डच को लगाएंगे, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में, या जिस हिंदी वाक्य का उत्तर यस या नो में संभव है उसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें डू और डच लगेगी, प्लस सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी जब पैसिव वाइज बनाई जाएगी तो डू और डच के स्थान पर हम कर्ता के अनुसार इंजर आर को रखेंगे, फिर सब्जेक्ट यानी जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। कल आपको यह बताया गया था, यहां मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया था और यहां सब्जेक्ट, ये समझने के लिए। और यहां देखिए आज छुटा हुआ है बाई प्लस बाई और फिर सब्जेक्ट। आप समझने के लिए आप इसके स्थान पर ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, यहां जो है समझने के लिए सब्जेक्ट था, यहां ये ऑब्जेक्ट किसका है प्लस क्वेश्चन मार्क, यहां आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं और यहां सब्जेक्ट कर सकते हैं। तो अब जैसे वाक्य आपको दिया गया, क्या तुम रोटी खाते हो, तो इसका एक्टिव वॉइस में ट्रांसलेशन होगा डू यू ईट ब्रेड। पैसिव बनेगी तो ब्रेड यहां सब्जेक्ट होगा जो है, तो उसके अनुसार आ जाएगा इज द ब्रेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन, इज द ब्रेड ईटन बाई यू। जैसे कहा जाए क्या राम पत्र लिखता है, क्या राम पत्र लिखता है। अब राम सिंगुलर नंबर है, इसके साथ जो है डज जाएगा, ये हो जाएगा डज राम लिखना, राइट, डज राम राइट लेटर, डज राम राइट लेटर, ये हो गया एक्टिव वॉइस। इसकी पैसिव बनेगी तो लेटर हो जाएगा पहले, तो हो जाएगा इज द लेटर, इज द लेटर राइट का थर्ड बार होता है रिटेन बाई राम, इज द लेटर रिटेन बाई राम, ये हो गया है आपका तीसरा इंट्रोगेटिव। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इज एन आर बुलाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट यानी जो एक्टिव वॉइस है ऑब्जेक्ट है वही पैसे का सब्जेक्ट बनेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और फिर अब आपका आया कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो उसको ना पढ़ा करके हम सीधे चलते हैं जो है पांच इंडिफिनिट पर, आपको लेकर के इंडिफिनिट का ही सब खत्म कर लें। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान आपको मालूम होगी, हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता था ती थी ते थे या आ ई ए का उच्चारण होता है। अब अनुवाद का नियम इसका है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव जब बनाएंगे इसका
तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इतना आपको ध्यान देना है कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, और जो इसका ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। जैसे ये कहा जाए मैंने, आप कहां हो? मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा। अब इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे हम? आई रोल द लेटर, आई रोल द लेटर। अब पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट उसका है लेटर, उसके पास हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां सब्जेक्ट बनेगा लेटर, तो द लेटर सिंगुलर नंबर है वाज आ जाएगा, द लेटर वाज रिटन बाय आई के स्थान पर बी हो जाएगा, द लेटर वाज रिटन बाय बी, द लेटर वाज रिटन बाय मी। अब ये जैसे कहा जाए लड़के किताब पढ़ते थे, लड़के किताब पढ़ते थे। अब इसका ट्रांसलेशन आपको करना है तो क्या हो जाएगा? द बॉयज रेड अ बुक, द बॉयज रेड अ बुक। अब पैसिव बनेगी तो हो जाएगा द बुक वाज रेड बाय वाज, इस तरह से। तो पास्ट इंडिफिनिट का आपने अफर्मेटिव पढ़ा, अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन है सब्जेक्ट प्लस वाज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव बनेगी सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यहां छूट गया था, इसको ध्यान देना, नोट कर लेना। तो ये इस तरह से, इसके बाद कल निगेटिव और इंट्रोगेटिव इसका बताया जाएगा। धन्यवाद।